Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today we are going to understand the concept of nominal and real GDP. ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और आपको पूरी बात तुरंत समझ में आ जाएगी विद फील के साथ। इस चीज को फील भी करना पड़ता है, इकॉनमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। आपको ये चीज फील करनी पड़ेगी कि रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बीच में वाकई क्या फर्क है, तभी आपकी वो डेप्थ आपके अंदर आ पाएगी, वो कॉन्सेप्ट में गहराई आपके पास आ पाएगी। तो जीडीपी आप समझते हैं, जीडीपी क्या होता है भाई? अगर हम भारत की जीडीपी के बारे में बात करें या किसी भी कंट्री की जीडीपी के बारे में अगर बात करें, द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट नेशन इन वन ईयर इज नोन एज जीडीपी ऑफ दैट नेशन। तो अगर भारत की बात करें तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर टोटल जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको अगर हम कैलकुलेट करें किसी भी एक साल में, एक वर्ष अकाउंटिंग ईयर लेते हैं, कोई भी अकाउंटिंग ईयर हो सकता है, कैलेंडर ईयर हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, अगर उन सबको हम जोड़ लें तो जितना भी आता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी एक वर्ष में, वो उस देश का जीडीपी कहलाएगा। ये बात आप समझते हैं, ये बात आप समझते हैं। मैं अभी एक एग्जांपल के लिए आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर कोई दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई भी सर्विसेज नहीं है, यानी सर्विसेज जीरो हैं। मैं केवल दो गुड्स की बात करूंगा, एक गुड्स का नाम है ए और दूसरे गुड्स का नाम है बी। यानी पूरे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर केवल दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, गुड नंबर ए एंड गुड नंबर बी। अब इन दोनों के रेफरेंस में लेते हुए हम क्या करने वाले हैं, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, पहले मैं आपको अगर एक सवाल पूछूं, यहाँ पर मान लीजिए राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए 100 केजी राइस का प्रोडक्शन हुआ है और 1 केजी राइस की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 20 रुपीज़ है 1 केजी राइस की वैल्यू। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल वैल्यू कितना है राइस का टोटल वैल्यू कितना है, तो आप क्या करेंगे, ये क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक सी सेट तो आपको आता है, तो कितना आ जाएगा भाई, 2000 रुपए की वैल्यू। यानी राइस की टोटल वैल्यू कितनी ही, 2000 रुपीज हुई। इन अ वेरी सिमिलर मैनर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अब देखिए कैसे मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, आपको तुरंत समझ में आएगा रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, रियल जीडीपी को हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, रियल जीडीपी भी बोलते हैं और जीडीपी एट बेस ईयर भी बोलते हैं। ये तीनों बात एक ही है और क्यों है तुरंत समझ में आएगी जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चीज। अच्छा, जीडीपी ऑफ नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं या इसी चीज को हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं ये दोनों हम निकालेंगे कैसे। मान लिया आपने कि पूरे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर ए और बी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। मैं मान लेता हूं कि बेस ईयर में मान लेता हूं, ऐसे हम मान लेते हैं कि बेस ईयर क्या है, तो मान लेते हैं 2011-12 जो है वो बेस ईयर है। तो 2011-12 में क्या हुआ, 2011-12 में ए और बी का प्रोडक्शन हुआ। ए की क्वांटिटी थी 100 और बी की क्वांटिटी थी 200। और 2011-12 में ए का प्राइस था 20 रुपए और बी का प्राइस था 40 रुपए। तो टोटल फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, यानी जीडीपी कितनी हो गई 2011-12 में। तो अगर 2011-12 में हम जीडीपी कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, है ना भाई। ये टोटल वैल्यू, ए की टोटल वैल्यू इतनी हो गई और बी की इतनी हो गई, तो जीडीपी कितनी आ गई, 10,000 रुपीज की जीडीपी आ गई। 10,000 रुपीज की जीडीपी है, लेकिन ये जीडीपी कब है, 2011-12 में आपने जीडीपी निकाली। तो जीडीपी ऐसे निकालते हैं भाई, जीडीपी है क्या, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी टोटल वैल्यू तो निकालनी है किसी भी एक वर्ष में, तो वो हमने निकाल ली क्योंकि दो ही गुड्स थे और सर्विसेज जीरो थी, तो टोटल वैल्यू हमने निकाल ली, यानी हमने जीडीपी निकाल लिया। महसूस कीजिए इस चीज को, आपने जीडीपी निकाल लिया 2011-12 की। लेकिन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 2020-21 की जीडीपी। अब मैं दो तरीके से ये कैलकुलेट करने वाला हूं, 2020-21 की जीडीपी मैं दो तरीके से कैलकुलेट करने वाला हूं। अच्छा, एक तरीका ये है कि 2020-21 में कितना प्रोडक्शन हुआ ए का और बी का, ए की क्वांटिटी प्रोड्यूस की आपने 400, बी की क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की 800। और 2020-21 में ए का प्राइस कितना था और बी का प्राइस कितना था, भाई महंगाई बढ़ गई होगी, पहले तो ए का प्राइस 20 रुपए था और 40 रुपए था बी का प्राइस, अब महंगाई बढ़ गई है तो ए का प्राइस मे बी लेट से 50 रुपीज हो गई है और बी का प्राइस हो गया है 100 रुपीज। तो अगर इस हिसाब से हम उसी साल में जो उसके प्राइस थे और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है, अगर वो दोनों देखकर हम 2020-21 का हम जीडीपी निकालें तो कितना आएगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ए की टोटल वैल्यू इतनी हो गई, बी की टोटल वैल्यू इतनी हो गई, यानी कितनी आ गई, 1 लाख आ गई जीडीपी।
तो जीडीपी जो 2020-21 में आई वो 1 लाख हो गई। हम इसे नॉमिनल क्यों कहते हैं, अभी हम समझेंगे इसे हम नॉमिनल क्यों कह रहे हैं। पहले आप समझो कि 2020-21 की जीडीपी आपने पहला तरीका क्या निकाला कि आपने उसी ईयर का प्राइस लिया और उसी ईयर की क्वांटिटी ली, ये एक तरीका हो गया। अच्छा 2020-21 की मुझे जीडीपी कैलकुलेट करनी है, एक तरीका और है जैसे मैं कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, ठीक है 2020-21 में जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो वही रखता हूं। देखिए क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई थी, 400-800 मैंने रख दी है, लेकिन मैं प्राइस लेना चाह रहा हूं बेस ईयर वाला। यार बेस ईयर क्या था, 2011-12 था बेस ईयर, और बेस ईयर में क्या प्राइस थी, 20 और 40। तो मैं प्राइस लेने वाला हूं बेस ईयर वाला। मान लीजिए बेस ईयर का मैंने प्राइस ले लिया 20 एंड 40। अब 20 एंड 40 जब मैंने प्राइस लिया तो फिर मैंने जीडीपी निकाली 2020-21 की, कितनी आएगी भाई अगर इस प्राइस के हिसाब से देखें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की टोटल वैल्यू इतनी हो जाएगी, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की टोटल वैल्यू इतनी हो जाएगी, यानी जीडीपी कितनी आएगी, 40,000 रुपीज जीडीपी आएगी। अगर आप ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर इन दोनों चीजों को आप देखें, ये दोनों कैलकुलेशन मैंने की, इसमें डिफरेंस किस चीज का है, इसमें डिफरेंस प्राइस का है। प्राइस मैंने एक बार बेस ईयर प्राइस लेकर हमने जीडीपी कैलकुलेट की है, और एक बार हमने प्राइस करंट ईयर लेकर, यानी जिस ईयर की बात कर रहे हैं उसी ईयर का प्राइस लेकर हमने कैलकुलेट की है। यानी अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो डिफरेंस क्या है, केवल महंगाई का डिफरेंस है, इन्फ्लेशन का डिफरेंस है। क्यों भाई, क्योंकि 2011-12 के प्राइस और 2020-21 के प्राइस में क्या डिफरेंस होगा, जितनी महंगाई बढ़ गई हो उतना ही प्राइस में डिफरेंस होगा, महंगाई ही तो बढ़ गई है ना दोनों के प्राइस में, समझ रहे हैं इस चीज के, तभी तो प्राइस बढ़ गए भाई। यानी जीडीपी जब हमने निकाला बेस ईयर पर और जीडीपी जब हमने निकाला करंट ईयर पर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। पहले ये दिमाग में गांठ बांध लो कि सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। अब ये जो 2020-21 के आपने निकाली जीडीपी, जो बेस ईयर का प्राइस लेकर चलते थे, हम इसे रियल जीडीपी बोलते हैं, और इसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं जब हम करंट ईयर की प्राइस बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये समझो, ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर आप देखें, इन दोनों को अगर आप मैच करें 2011-12 और 2020-21, इसमें देखिए प्राइस तो सेम है, प्राइस तो 20 और 40 सेम है, और यहां पर सिर्फ क्वांटिटी में इंक्रीज दिख रहा है आपको, सिर्फ क्वांटिटी में इंक्रीज दिख रहा है। यानी अगर मैं 2011-12 की जीडीपी और 2020-21 की जीडीपी को देखूं, अगर मैं वाकई में दोनों को कंपेयर करूं, तो इसमें डिफरेंस किस चीज का होगा, इसमें डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है। यानी मैं वाकई निकाल सकता हूं 2011-12 का अगर मैं प्राइस बेस ईयर निकाल के देखूं, तो वो मैं वाकई निकाल सकता हूं कि दोनों जीडीपी में जो कंपैरिजन करूंगा तो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज आया होगा, सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज आया होगा, क्योंकि यहां पर 100 एंड 200 क्वांटिटी थी, यहां पर 400 और 800 क्वांटिटी है, तो जीडीपी में जो डिफरेंस है वाकई में क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस है। यानी इन दोनों के बीच में कितना क्वांटिटी का आप ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे हो, ये सिर्फ हमें पता चलेगा। तो ग्रोथ एक्चुअल में होता क्या है, ग्रोथ है क्या, आपकी क्वांटिटी में कितना प्रोडक्शन आपने ज्यादा करने लगे हो। पहले अगर आप 100 केजी प्रोड्यूस करते थे, आज आप 400 केजी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप 300 केजी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यही तो ग्रोथ हुई। क्या मैं प्राइस अगर इंक्लूड कर दूं इसमें अगर मैं प्राइस इंक्लूड करके इसकी वैल्यू को अगर बढ़ा दूं, तो क्या उससे प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्या भाई। देखिए यहां पर 40,000 की जीडीपी आ रही है, यहां पर 1 लाख की जीडीपी आ रही है, लेकिन क्वांटिटी तो जितना आपने ज्यादा प्रोड्यूस की है 2011-12 के कंपैरिजन में, 2011-12 कंपैरिजन में जो क्वांटिटी आपने ज्यादा प्रोड्यूस की है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू किससे पता चलेगी हमें इधर से पता चलेगी, रियल जीडीपी, क्योंकि यहां पर सिर्फ जो क्वांटिटी में चेंज है वो इंक्लूड है, प्राइस कॉन्स्टेंट है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी के केस में अगर आप देखेंगे, तो क्वांटिटी में जो चेंज है वो भी है और प्राइस में जो चेंज है वो भी है। यानी यहां से हम इसको नॉमिनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाकई में रियल ग्रोथ नहीं दिखाएगा आपको। रियल ग्रोथ क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहां पर प्राइस का भी जो चेंज है वो इंक्लूड है। समझे इस बात को, तो प्राइस का चेंज भी यहां पर इंक्लूड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस। जिस प्राइस पर कैलकुलेट किया, जिस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं उसी ईयर का हम प्राइस ले रहे हैं, यानी करंट प्राइस ले रहे हैं, इसलिए हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं या नॉमिनल भी बोलते हैं। लेकिन रियल को हम क्या बोल सकते हैं, रियल जीडीपी तो बोलते हैं, क्योंकि वो वाकई में ग्रोथ बता रहा है कि कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। और बेस ईयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम बेस ईयर का प्राइस यूज कर रहे हैं। और कांस्टेंट प्राइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2011-12 और 2020-21 में प्राइस तो कांस्टेंट था। आई होप कि अब रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई, समझ गए इस चीज को। अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म में बताऊं, तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन का इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पर क्वांटिटी में जो चेंज है वो इंक्लूड होगा रियल जीडीपी में। और नॉमिनल जीडीपी का अगर आप बात करोगे, तो नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी में जो चेंज है और जो प्राइस में चेंज है वो दोनों इंक्लूड होगा, इसलिए हमेशा
नॉमिनल जीडीपी आपको ज्यादा दिखेगी और रियल जीडीपी आपको कम दिखेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आता रहेगा, इसलिए नॉमिनल जीडीपी आपको हमेशा ज्यादा दिखेगी। दिस इज ऑल अबाउट रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अगर आप ये बात समझ गए कि रियल एंड नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देखना है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया है, रियल जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया है, तो जब भी आप इकोनॉमी में नॉमिनल टर्म देखेंगे, नॉमिनल टर्म में इन्फ्लेशन इंक्लूड जरूर होगा, ये मानकर आप चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।